बिजी लाइफस्टाइल होने से औरतें अपने स्किन पे ध्यान नहीं दे पाती हैं, उनके पास रेमेडी लगाने का तो टाइम कहाँ पे होता है, वो तो प्रोडक्ट भी नहीं लगा पाती हैं। और जब एक दिन अचानक से आप मिरर में अपने आप को देखते हैं, आप देखते हैं कि आपके फेस पे बहुत सारी प्रॉब्लम आके बैठ चुकी होती हैं, एक्ने, पिंपल, ब्लेमिश, डेड स्किन और भी न जाने क्या क्या। और फिर आप सोचते हैं कि काश मैंने पहले ध्यान दे लिया होता, अभी कोई आप लेट नहीं हुए हैं। आप अब भी अपनी स्किन की केयर करके अपनी स्किन को यूथफुल, ग्लोइंग, बहुत सुपर डुपर ग्लो से आप बना सकते हैं। बिल्कुल ईजी सी, सिंपल सी एक होम रेमेडी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर आप इस रेमेडी को लगातार लगाएंगे, आप कितने भी बिजी हों, सिर्फ आपको अपने लिए 5 मिनट निकालने हैं, रेमेडी तैयार करनी है और सिर्फ लगानी है, बस ये अगला काम अपने आप ये रेमेडी कर देगी। आपकी स्किन पर बहुत अच्छा सा मैजिक और बहुत हल्की सी प्यारी सी शाइन लेके आएगी। तो फिर चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। तो यूथफुल और ग्लोइंग स्किन पाने के लिए आपको चाहिए होगा सबसे पहले गुलाब जल। 2 चम्मच आपको गुलाब जल लेनी है। फिर आपको इसके अंदर 1 चम्मच डालना है रो मिल्क, कच्चा दूध, 1 व्हाइट मिनी का कैप्सूल डाल दें और सिर्फ 2 ड्रॉप आपको लेमन की डालनी है। अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद फिर चलिए हम इसको लगा लेते हैं। कैसे लगाना है, अच्छे से अपने फेस पे लगा के और मसाज करनी होती है। अगर आपके फेस पे झुर्रियाँ हैं, फाइन लाइन है, आपको कोई प्रोडक्ट सूट नहीं करता है, तो आप गुलाब जल लगा सकते हैं। स्किन धूप के कारण जल गई है, काली पड़ गई है, तो आप गुलाब जल लगा सकते हैं। फेस पे कील मुहासे हैं, दाग धब्बे हैं, तो आप गुलाब जल लगा सकते हैं। सेंसिटिव स्किन है तो आप गुलाब जल लगा सकते हैं। आपके पास टोनर नहीं है तो आप गुलाब जल लगा सकते हैं। हमने दूध लिया है, कच्चा दूध, और कच्चा दूध एज ए क्लींजर आपकी फेस पे इतना अच्छे से वर्क करता है, डीपली स्किन के अंदर जाता है, स्किन को साफ करता है, ओपन पोर को क्लीन कर देता है और एक ब्राइटन सा और प्यारा सा लुक ये आपके लिए लेके आता है। जिन लोगों की ड्राई स्किन है उनके लिए विटामिन ई जो हमने इसके अंदर डाला है वो आपकी स्किन को सुपर डुपर नरिश करेगा, मॉइस्चराइज करेगा, आपकी स्किन में हल्की सी प्यारी सी चमक लेके आएगा। लेमन डाला है, ऑफ कोर्स बहुत सारे लोगों को लेमन से एलर्जी होती है, बोलते हैं रेडनेस आ जाती है, तो यहाँ पे आप लेमन को स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर लेमन आपकी स्किन पे सूट करते हैं ना, तो ये एक एंटी एजिंग का काम करता है, क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी होता है, दाग धब्बों को हटाता है। अच्छे से सर्कुलर मोशन में आपको इसके साथ अपने फेस पे मसाज करनी है। आप इसको अपने अंडर आई सर्कल पे लगा सकते हैं, आप इसको लिप्स पे लगा सकते हैं, आप इसको नेक पे भी लगा सकते हैं। बहुत सारे कमेंट आते हैं कि नेक ब्लैक होती जा रही है, तो या जो भी आप पैक लगाते हैं नेक पे लगाना मत भूलिएगा, तो आपकी जो नेक है वो बिल्कुल भी ब्लैक नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपको कम से कम 5 से 10 मिनट तक मसाज करनी है। ओके, सिर्फ 10 मिनट ही निकालने हैं आपको, काम छोड़ के जब आप रात को सोने जाते हैं तो ओनली 10 मिनट निकालिए और इसे अपने फेस पे लगाइए, अच्छे से मसाज करिए। और लगाने के बाद आपको बिल्कुल भी धोना नहीं है, ऐसे ही लगा के आपको सो जाना है। और जैसे आप सुबह उठेंगे आप देखेंगे कि आपकी स्किन पे कम से कम 5% असर तो आपको मिलेगा। एक बार के यूज में आपको इसे 2 बार लगाना है, एक सुबह नहाने से पहले, उस टाइम अगर आपके पास टाइम नहीं है सिर्फ इसको लगाएं, सिर्फ 2 मिनट के लिए मसाज करें और आप नहाने जा सकते हैं। लेकिन जैसे ही रात होती है सोने जाते हैं आपको इसे 10 मिनट देनी होंगी। 10 मिनट क्यों? ताकि जब आप इसको मसाज करेंगे फेस पे ये अच्छे से आपकी स्किन के अंदर चला जाए, डीपली क्लीन आपकी स्किन को ये कर दे। तो फ्रेंड्स, आज की रेमेडी को पक्का ट्राई कीजिएगा, पसंद आए रेमेडी पसंद आने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ प्यारी से अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत सारा पानी पिए, खुश रहें, खुश रखें, बाय।